हाँ जी गीतांजलि जी, गुड इवनिंग। चलिए तो आपके सामने जो है वो क्वेश्चन लिख दिए गए हैं, जैसे जैसे आप ज्वाइन होते रहेंगे आप फटाफट से जो है वो आंसर्स करते रहेंगे। खुशी जी गुड इवनिंग, साहिल जी गुड इवनिंग, हाँ जी गुड इवनिंग, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे। महिमा जी गुड इवनिंग, हाँ जी कैसे हैं आप सभी? आज हम लोग 2 दिनों के बाद मिल रहे हैं, ठीक है, तो मैं देखती हूँ कि आपको याद रहा भी पहले पिछला जो हमने पढ़ा था। 4 क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप साथ में आंसर कर देंगे। प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट है वो कौन सी हुई है वो आपको बताना है, ठीक है जी। फर्स्ट अमेंडमेंट हुई है 24th, 42nd या 44th अमेंडमेंट का नंबर बताइएगा। लैंग्वेज भाषाएं हमने कहा किस शेड्यूल में हम पढ़ते हैं, ठीक है जी, वो आप बताएंगे। एंटी डिफेक्शन का मतलब हुआ दल बदल, दल बदल जो है वो किस भाग में है वो आपको बताना है। सिटीजनशिप कौन से भाग में है, और आप सभी के आंसर्स आना शुरू हो चुके हैं। यस अनुष्का, ठीक है जी आपका। सिटीजनशिप 2 में है, लैंग्वेज इज राइट, ठीक है। चलिए आप ज्वाइन होते रहेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही है, और आप जो है वो लाइव को शेयर कर देंगे, ठीक है जी, लाइव को शेयर कर देंगे, क्योंकि 2 दिन में तो भूल भी जाते हैं कि हम कुछ पढ़ भी रहे थे तो जो लोग भूल चुके हैं वो थोड़े जाग जाएंगे कि आज तो क्लास है। हाँ जी रोहित जी गुड इवनिंग। चलिए पढ़ाई का जो मोशन है वो टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल सही है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी तो सबसे पहले है प्रीएम्बल, प्रीएम्बल में कौन सा संशोधन हुआ था आपके पास? 42वां जो संशोधन है वो आपको प्रीएम्बल में देखने के लिए मिलेगा, जिसके द्वारा 3 शब्दों को ऐड किया गया था जैसा हमने पढ़ा है। लैंग्वेजेस जो भाषाएं हैं वो आपको शेड्यूल 8 में मिल जाएंगी, पहले 14 भाषाएं थी जो बढ़ के अभी 22 हो चुकी है, ठीक है जी। एंटी डिफेक्शन का मतलब हुआ दल बदल, और एंटी डिफेक्शन जो है हमारे पास वो आता है 10th शेड्यूल में, तो एंटी डिफेक्शन आप याद रखेंगे 10th शेड्यूल है। एंड देन सिटीजनशिप जो है वो भाग 2 में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है जी, भाग 2, ओके। चलिए तो सही आपको याद है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा प्रेसिडेंट। सोनी जी गुड इवनिंग, चलिए जी आप हेडिंग फटाफट से प्रेसिडेंट दे देंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए आज का टॉपिक है, ठीक है जी, प्रेसिडेंट। हाँ जी, और प्रेसिडेंट जब हम पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीजों का बहुत ध्यान रखना है, और वो ध्यान क्या रखना है, आप सबसे पहले लिखेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है जी, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और एक होता है हमारे पास गवर्नर, एक होता है गवर्नर। पॉलिटिक्स पूरी की पूरी समझने वाली गेम है, कुछ भी रट्टा इसमें मारना नहीं है आपने, आप समझिए, बहुत इंटरेस्ट से आपको ये समझ आ जाएगी। और समझना हमने क्या है कि आपको हर चीज भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप एक चीज को लर्न कर लो, आपको 2 चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली जो है वो लर्न हो जाएंगी, ठीक है जी। क्या लर्न होगा आपके पास, देखिए इस तरह से जो है मैं ये बना रही हूँ हमारा भारत देश यहाँ पे, ठीक है जी, हाँ जी। तो भारत का जो है कितने राष्ट्रपति भारत में बनाए जाएंगे, भारत में जो है वो एक ही राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ठीक है जी, आप समझिएगा इस चीज को। भारत में पूरे भारत के लिए कितना राष्ट्रपति बनाए जाते हैं, एक ही राष्ट्रपति बनाया जाएगा, ठीक है। तो भारत का जो अध्यक्ष होगा, हेड ऑफ द स्टेट जिसे कहा जाएगा, वो राष्ट्रपति कहा जाएगा, डन, है ना, घर का एक मुखिया होता है ना, वैसे हम याद रख सकते हैं। तो हमारे देश का जो मुखिया है, जो हेड है गवर्नमेंट का, वो कौन होगा, प्रेसिडेंट होगा, ठीक है। अब हम गवर्नर हम इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि है जो हमारा हिमाचल प्रदेश है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत सारे राज्यों में बंटा हुआ है, जैसे अभी हिमाचल में आपको 28 स्टेट्स देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है जी, कितनी स्टेट्स हमारे पास हैं, 28 राज्य आपको देखने के लिए मिलेंगे। और मान लीजिए ये जो एक राज्य यहाँ पे है, ठीक है जी, ये एक जो राज्य है उस राज्य का जो हेड होता है, ठीक है जी, राज्य का जो हेड होगा वो कौन होगा, वो गवर्नर होगा, समझ पाए आप, देख पाती है ना,
पूरे देश का जो हेड है वो प्रेसिडेंट आ जाएगा, और हर राज्य में आपको बिल्कुल टॉप पे ऊपर कौन देखने के लिए मिलेगा, गवर्नर देखने के लिए मिलेगा। तो आप जब प्रेसिडेंट पढ़ते हैं तो आपको अपने माइंड में गवर्नर को भी रखना है। गवर्नर को क्यों रखना है, इसीलिए रखना है क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम चीजें आपको गवर्नर में पढ़ेंगे, बिल्कुल साथ साथ में जो भी फंक्शंस प्रेसिडेंट के आएंगे वही फंक्शंस स्टेट में कौन परफॉर्म करेगा, गवर्नर परफॉर्म करेगा। तो 80% ऑलमोस्ट आपको सेम चीजें यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, 20% चीजें हम लोग अलग पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, हाँ हाँ ठीक है, हाँ समझ जाओ आप, भावना ही समझनी है आपने, शब्दों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो आप की भारत में जो है वो 28 राज्य हैं। ठीक है जी, तो भारत में आपको 28 राज्य देखने के लिए मिलेंगे जिसमें से एक हमारा हिमाचल प्रदेश भी है। तो आपने क्या करना है कि प्रेसिडेंट और जो गवर्नर हैं दोनों को आपने माइंड में एक साथ लेके चलना है, बिल्कुल। ठीक है जी, भूपेंद्र जी गुड इवनिंग, चलिए समझ गए आप ये बात। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती रहूंगी बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहूंगी कि आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं, कितना आप समझ पा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। और एक है जी वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को क्यों हम साथ में पढ़ेंगे यहाँ पे, बीच बीच में ना इनका जिक्र आता जाएगा। तो आपने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को कैसे याद रखना, ये दो भाई हैं। ठीक है जी, ये दो भाई हैं, ये बड़े भैया हैं यहाँ पे, और ये आपको छोटे भैया देखने के लिए बजाएंगे। ठीक है जी, बड़ा भाई और छोटा भाई, क्योंकि इनकी जो फंक्शनिंग है वो इस तरह से चलेगी, कौन किसको रिजाइन देगा, कौन किसी को शपथ दिलाएगा, वो हम कैसे याद रखेंगे, इस तरह से याद रखेंगे। बड़ा भाई प्रेसिडेंट आ जाएगा, छोटा भाई कौन है यहाँ पे, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो छोटा भाई है। डन, ये आपके लिए बेसिक पहली चीज जो आपको अपने माइंड में रखनी है, आपका पूरा का पूरा काम ही सॉल्व कर देगी। 3 चैप्टर्स आपके साथ में चल पड़ेंगे, है ना, रटेंगे नहीं, समझेंगे हम आराम से। तो प्रेसिडेंट में आप सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति। ठीक है जी, भारत में प्रथम नागरिक का मतलब हुआ फर्स्ट सिटीजन। हाँ जी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, प्रेसिडेंट। बहुत सिंपल सवाल और बहुत रैंडमली ये पूछ लेते हैं। ठीक है जी, हाँ राष्ट्रपति, ठीक है राष्ट्रपति जी को कहा जाता है। अगला सवाल आएगा आपके पास, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस सर्विसेज। हाँ जी, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस सर्विसेज, सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस सर्विसेज, हमारी जो डिफेंस सर्विसेज हैं जैसे कि आर्मी हो गया, नेवी है, एयरफोर्स है, इनका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो कौन होता है। ठीक है जी, किसका आएगा आपके पास, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो इनका सुप्रीम कमांडर कौन होगा, राष्ट्रपति ही होता है, राइट। तो आपके पास ऐसे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, आपने राष्ट्रपति उसमें आंसर टिक करना है। साथ ही साथ आपसे पूछें कि जो आर्मी का चीफ होगा, आर्मी का चीफ है, आर्मी का जो अध्यक्ष होगा, जो नेवी का अध्यक्ष है, जो एयरफोर्स का अध्यक्ष है, उनका चुनाव कौन करता है, तो उनका चुनाव कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा यहाँ से, क्योंकि राष्ट्रपति ही अध्यक्ष है, राष्ट्रपति ही सुप्रीम है यहाँ पे। ठीक है, तो सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस प्रेसिडेंट है जी, ठीक है, और आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो चीफ होंगे, जो इनके अध्यक्ष होंगे, उनका जो उनको जो अपॉइंट है, ठीक है, उनको अपॉइंट कौन करेगा, राष्ट्रपति जो है वो उनको अपॉइंट करेंगे, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनेंगे कैसे। आपका हमारा मन कर जाए कि क्या बनना है, आपने कि राष्ट्रपति बनना है, ठीक है, हो सकता है ऐसा, तो हम लोग जो है वो किस तरह से राष्ट्रपति बन सकते हैं, या कोई भी जो है वो राष्ट्रपति कैसे बनेगा। तो राष्ट्रपति बनने के लिए पहली जो क्वालिफिकेशन है वो हर जगह पे आपको देखने के लिए मिलेगी, लिखी होती है, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। तो अगर आप भारत के नागरिक हैं तभी आप यहाँ पे जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में। अब ये वाली जो क्वालिफिकेशन है, ये कोई भी आपके पास, कोई भी हमारे पास जो है ये इलेक्शन हो उसके लिए ये चाहिए चाहिए, है ना। तो ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, यहाँ से कुछ सवाल बनेगा आपके पास कि वो फ्रांस का नागरिक होना चाहिए या कनाडा का होना चाहिए, कि जब भारत की इलेक्शन है तो भाई भारत का नागरिक चाहिए। ठीक है, एज लिखेंगे आप, एज मिनिमम एज कितनी है, 35 years। हाँ जी, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है जी, 35 वर्ष होनी चाहिए
न्यूनतम आयु वाला क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। और इसमें जो आपको चीज ध्यान रखनी है वो क्या चीज ध्यान आप रखेंगे, आप यहीं पे लिख लीजिए 35 इयर्स जो है वो किसके लिए मिनिमम एज चाहिए आपको। तो एक तो हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हो गए आपके पास, एक आएगा जी उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट, और थर्ड है हमारे पास गवर्नर, थर्ड आएंगे आपके पास गवर्नर। ये तीन लोग हैं, इन तीनों में हम लोग यही वाला जो है वो पॉइंट पढ़ेंगे कि मिनिमम एज 35, मिनिमम एज 35, मिनिमम एज 35, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गवर्नर, तीनों के लिए ही 35 वर्ष जो है वो न्यूनतम आयु यहाँ पे चाहिए। बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने इन तीनों लोगों का जिक्र कर लिया था, ठीक है जी। इसके अलावा 35 वर्ष की आयु आपको कहीं पे और नहीं चाहिए, 35 इयर्स की जो एज है मिनिमम वो यहीं पे ही आपको चाहिए होती है, ठीक है। मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने के लिए, कम से कम आयु तो 35 साल की है। जब तक आप 35 साल के नहीं हो जाएंगे तब तक आप कुछ और काम कर लीजिए, फिलहाल तो जॉब देख लेते हैं, और जब 35 साल के हो जाएंगे तो फिर राष्ट्रपति बनने के लिए हम लोग जो है वो एक कैंडिडेट बन जाएंगे। तो जो है मैक्सिमम आयु कितनी है, मैक्सिमम एज कुछ नहीं है, ठीक है जी। मैक्सिमम यहाँ पे कुछ भी एज डिफाइन नहीं है कि भाई 60 साल होनी चाहिए, 62 है, 65 है, 80 है, जितनी मर्जी साल के आप हैं आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम एज आपको कुछ भी यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है जी। मिनिमम एज हो गई यहाँ पे, हाँ जी। और एक जो पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा वो क्या है कि जो भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है वो लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। हाँ जी, समझ पाया, वो व्यक्ति जो है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए, उनके पास वो सारे क्राइटेरियाज होने चाहिए जिससे कि वो व्यक्ति जो है वो लोकसभा का मेंबर बन जाए, ठीक है। तो लोकसभा के लिए क्या क्राइटेरियाज हैं वो लोकसभा में ही हम पढ़ेंगे, बट इस पॉइंट को आपने यहाँ पे अंडरलाइन करना है, ठीक है जी। चौधरी जी गुड इवनिंग, तो आपने यहाँ पे इस पॉइंट को अंडरलाइन करना है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट आएगा। सवाल कैसे बनेगा आपके पास कि जो राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार है वो किस हाउस के लिए जो है वो एलिजिबल होना चाहिए, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, या फिर एमएलए बनने के लिए, गवर्नर बनने के लिए, ऐसे आपके पास ऑप्शंस आएंगे। समझ पाए आप ये बात, ठीक है। हाँ जी, जयवंती जी गुड इवनिंग, प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे हैं, तो जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं प्रेसिडेंट हम पढ़ रहे हैं, और आपने ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति के लिए जो इलेक्शन होते हैं तो आप लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इतना हो गया, अपने पास सारी हमारे पास क्वालिफिकेशन है, मैं चल पड़ी कि हाँ जी भाई मैं बनना चाहती हूँ राष्ट्रपति, दो फॉर्म जरा मैं भर देती हूँ फॉर्म अभी। तो अगर आप जो है वो अभी जाके बोले कि मेरा फॉर्म भर दो मैं बन जाऊंगी राष्ट्रपति, तो क्या आप ऐसे फॉर्म भर दोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है जी। आप अपना नाम खुद प्रपोज नहीं करते कि मेरे को बनाओ ठीक है राष्ट्रपति, ऐसा नहीं होता है। क्या क्या होगा आपके पास, आपको 50 जो है वो प्रपोजर्स चाहिए। हाँ जी, कितने प्रपोजर्स चाहिए, 50 प्रपोजर्स चाहिए। अनामिका जी गुड इवनिंग, 50 प्रपोजर्स आपके पास होने चाहिए, और 50 ही आपके पास जो है वो सेकेंडर होने चाहिए, ठीक है जी, सेकेंडर्स आपके पास होने चाहिए, 50 प्रपोजर्स आपके पास हों और 50 ही जो है वो आपके साथ सेकेंडर्स होने चाहिए। 50+50 आपने याद रखना है। इसका मतलब क्या है कि 50 लोग जो है वो आपका नाम बोले कि जी हम चाहते हैं कि ये बन जाए, ये राष्ट्रपति बने हमारी तरफ से, तो 50 लोग वो होने चाहिए जो बोले कि हाँ जी हम इनको वोट करते हैं, हम इनका नाम लेंगे, तो आप इनको करो। और 50 बंदे आपके पास और हों ऐसे जो बोले कि हाँ जी हमारा सपोर्ट भी नहीं कोई रहेगा, तो टोटल मिला के तो ये 100 हो गए, लेकिन 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स, आपने इस तरह से इसको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कितने प्रपोजर्स चाहिए आपको, 50 प्रपोजर्स होने चाहिए, 50 आपके पास सेकेंडर हैं, आपके पास 100 बंदे हो गए। और ये लोग ऐसे नहीं कि हर कोई कि चलो चलो आ जाओ मैंने फॉर्म भरवाया आज कोई भी चल पड़ेगा, वो लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो वोट करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ठीक है जी, जो वोट करेंगे राष्ट्रपति के इलेक्शन में, ये वो 100 लोग होने चाहिए। अभी वोट कौन करता है उसको हम देखेंगे, ठीक है जी, ठीक है। तो आपने जो है वो ये चीज, हाँ ये चीज आपने ध्यान रखनी है, यहाँ पे आपके पास 100 लोग होने चाहिए, सेंचुरी होनी चाहिए, मतलब ठीक बोल रहे हैं आप,
सेंचुरी जो है वो आपके पास लगनी चाहिए, 100 लोग होने चाहिए। अब आपने जो है वो 100 लोग भी आपके पास हैं, उसके बाद आपने फटाफट से फॉर्म भरा, तो आपको वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। जब भी कभी इलेक्शन होता है, चाहे वो राष्ट्रपति का इलेक्शन है, चाहे वो आपके पास पंचायत प्रधान का इलेक्शन है, चाहे वार्ड मेंबर का इलेक्शन है, जब भी कभी फॉर्म फिल किया जाता है तो हमेशा ही सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है। हाँ जी, सिक्योरिटी डिपॉजिट की जाती है, कुछ धनराशि को डिपॉजिट किया जाता है। ठीक है जी, तो राष्ट्रपति के लिए जो सिक्योरिटी है वो कितनी है, यहाँ पे 15,000 है। हाँ जी, राष्ट्रपति के चुनाव में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें कितनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है, 15,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ती है। अब मान लीजिए हमारे पास 1, 2, 3, 4, ये 4 कैंडिडेट्स जो है वो खड़े जाते हैं इलेक्शन में, है ना, सभी लोगों ने 15,000 रुपये भरे हैं यहाँ पे। अब इसमें से जीतेगा तो कोई एक ही, कोई एक जीतेगा इसमें से। मान लीजिए नंबर 4 जो है वो जीत जाते हैं, ये प्रेसिडेंट बन गए, ये जो 3 लोग हैं ये बोले कि हमारा पैसा भाई, हमने 15,000 रुपये जमा किए हैं, तो आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा इलेक्शन के बाद। ठीक है जी, आपके जो पैसे हैं 15,000 रुपये जो आपने डिपॉजिट किए हैं आपको वापस मिल जाते हैं अगर आप इलेक्शन हार जाते हैं तो भी। लेकिन एक शर्त है यहाँ पे, और वो शर्त क्या है, मिनिमम 1/6 वैलिड वोट्स आपके पास होने ही चाहिए, तब जाके आपकी सिक्योरिटी आपको वापस मिलती है, अदरवाइज आपकी सिक्योरिटी को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है जी, और ये पॉइंट आपने बहुत जगह सुना होगा कि भाई उनकी तो सिक्योरिटी जब्त हो गई, तो सिक्योरिटी जब्त होने का मतलब क्या हुआ कि आपको 1/6 वोट भी नहीं मिले, 1/6 वोट भी आपको नहीं मिले। ठीक है, आप बताएंगे टोटल वोट्स जो है वो 60 हैं, 60 वोट टोटल पड़े, 60 का 1/6 कितना होगा। हाँ जी, मतलब 60 में से आपको मिनिमम 1/6 वोट लेके आने हैं। चौधरी जी, फिलहाल अभी तो पॉलिटिकल साइंस और इंग्लिश की क्लासेस हो रही हैं। ठीक है जी, हमारे पास आंसर आना शुरू हो चुके हैं। ओके, 1/6 का मतलब, हाँ जी, 60 का 1/6। विकास जी, अलाइड के बैच का आप व्हाट्सएप करना। ठीक है जी, मैं व्हाट्सएप पे आपको बता दूंगी पूरा, या क्लास के बाद में, ठीक है, मैं आपको उसका बता दूंगी अलग से। ठीक है जी, चलिए, बिल्कुल सही है। इस 1/6 का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है वो 60 के 6, मैंने तभी इतना इजी सा नंबर दिया है ये। ठीक है, मैंने तभी बहुत इजी सा नंबर दिया है कि इसका 1/6 आप निकाल दें फटाफट से। हाँ जी, 1/6 10 आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो 10। अनूप जी गुड इवनिंग, तो हमारे पास जो है वो टोटल क्या होना चाहिए, 1/6 वैलिड वोट होने चाहिए, तब जाके आपकी सिक्योरिटी आपको वापस मिलती है, और अगर आप 1/6 वोट्स भी ना ले पाए तो आपकी सिक्योरिटी जब्त हो जाती है। ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें वो बहुत सीरियस हों, ऐसा ना हो कि आजकल तो बेल्ले हैं जी, आजकल तो कुछ सीजन भी नहीं लगा है, कुछ काम है नहीं करने को, चलो प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ते हैं, फिर तो हर कोई खड़ा हो जाएगा इलेक्शन में, है ना। तो सिक्योरिटी जब्त होने का मतलब एक तरह से इंसल्ट आप समझ लीजिए कि आपको तो 1/6 वोट भी नहीं मिले, आपकी सिक्योरिटी जब्त हो गई, है ना। तो थोड़ा सा सीरियसनेस इस तरह से कैंडिडेट्स में आ जाती है, और ये चीज जो है आप कैसे ध्यान रखेंगे, चाहे राष्ट्रपति का इलेक्शन है, चाहे MLAs का इलेक्शन है, MPs का है, चाहे प्रधान का है, पंचायत प्रधान का इलेक्शन है, सभी जगह पे आपको 1/6 मिनिमम वोट चाहिए होते हैं, तब जाके आपकी सिक्योरिटी आपको वापस मिलती है। तो ये पॉइंट तो आपने याद रखना है। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास जो है ये आपको सिक्योरिटी वापस मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए, तो इतनी हमारे पास क्वालिफिकेशन थी, हमने फॉर्म अपना भर दिया। अब जब फॉर्म भर दिया तो इलेक्शंस होंगे, और इलेक्शन होंगे तो फिर कौन जो है वो वोट करेगा। हाँ जी, एज सिक्योरिटी जब्त हो भी जाए तो भी आप इलेक्शन पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगली बार, अगली बार अगले जोश, नए जोश के साथ। ठीक है, चलिए, अब कौन लोग इसमें वोट करते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति के इलेक्शन हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, राष्ट्रपति के जो इलेक्शन हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
इलेक्शंस दो तरह से ही परफॉर्म किए जाते हैं, एक इलेक्शन होते हैं डायरेक्ट, ठीक है जी, डायरेक्ट, और एक इलेक्शन होते हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शंस कौन से हुए, जिसमें हम आप लोगों ने वोट किया, जिसमें जो आम जनता है, जिसमें आम जनता वोट करती है, वो इलेक्शंस डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। और जिसमें हम आप लोग आम जनता वोट नहीं करती है, कुछ चुनिंदा लोग ही जहाँ पे वोट करते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए, राइट। तो जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो कैसे हुए, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होंगे आपके पास, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, है ना जी। हम लोगों ने तो कभी राष्ट्रपति के लिए नहीं वोट किया है, या किया है किसी ने, ठीक है, कि आज तो मैं चला राष्ट्रपति को वोट करने के लिए, ऐसा नहीं है। हम आप लोग आम जनता जो है वो इलेक्शन में राष्ट्रपति जी के जो इलेक्शन है उनके लिए हम लोग वोट नहीं करते हैं। तो कौन करेगा वोट, फिर वोट कौन करेगा, अब देखते हैं। हाँ जी, समझ पाए आपकी बात। तो पहले तो आपने इनडायरेक्ट लिखना है, आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट तो बोल दिया, उसका मतलब क्या हुआ, है ना। आम जनता ने वोट नहीं किया, कुछ चुनिंदा लोग ही वोट करते हैं। अब वो कौन लोग हैं, आपके पास राज्यसभा है और लोकसभा है, ठीक है जी। इनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे चल के, अभी फिलहाल आपने सिर्फ नाम याद रखना है। तो हमारे पास लोकसभा है और हमारे पास राज्यसभा है, दो ही हाउसेस है पार्लियामेंट में, ठीक है जी, दो ही हाउसेस आपको पार्लियामेंट में मिलेंगे। और इन दोनों हाउसेस में दो तरह से यहाँ पे लोग जाते हैं, ठीक है जी। कौन लोग, मतलब आपको इनको आप लोग एमपी बोलोगे, ठीक है जी, एमपी। देखिए क्या होता है ना, अभी हमारी जो तैयारी है एग्जाम की, सभी लोगों की अलग अलग स्टेज पे होगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत लंबे टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी बेसिक से चीज़ें कंप्लीट हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नए नए शुरू किया है पढ़ना, और मान लीजिए वो आर्ट्स बैकग्राउंड से भी नहीं है, तो आपने पॉलिटिकल भी पढ़ी नहीं है, तो फिर स्टार्टिंग में तो एमपी और एमएलए में भी कंफ्यूजन होता है कि भाई एमपी कौन है, एमएलए कौन है, ठीक है, आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं होती। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेसिक से हर पॉइंट को क्लियर करेंगे, और आपको कोई पॉइंट समझ नहीं आएगा आपने पूछ लेना है, ठीक है, कि भाई ये क्या है बता दो। तो आप देखिए एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राइट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ, जो आपके पास राज्यसभा में लोग जाते हैं और जो लोकसभा के लोग हैं, इन दोनों को ही आप एमपी बोलते हैं, इस मेथड को क्या बोलते हैं, ठीक है जी, भी पढ़ेंगे, है ना, मैं बताती हूँ क्या बोलते हैं इस मेथड को। तो आपके पास जो राज्यसभा है और आपके पास जो लोकसभा है, ठीक है जी, ये दोनों ही हाउसेस जो हैं, यहाँ के जो मेंबर्स होंगे उनको एमपी कहा जाएगा। और इन दोनों हाउसेस में दो तरह से लोग जाते हैं, ठीक है जी, दो तरह से, कैसे, हम राज्यसभा की बात करते हैं, तो या तो यहाँ पे मेंबर्स इलेक्शन के थ्रू जाएंगे, या फिर नॉमिनेशन के थ्रू, नॉमिनेशन, हाँ जी, दो तरह से यहाँ पे जो है वो एमपी का चुनाव किया जाता है, या तो इलेक्शन के थ्रू या फिर नॉमिनेशन के थ्रू। इलेक्शन का मतलब क्या हुआ, कि आपने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, आप जीते, आप यहाँ के मेंबर बन गए। और एक होता है नॉमिनेशन, नॉमिनेशन का मतलब क्या हुआ, कि मुझको जो है वो नॉमिनेट किया गया है, मेरा नाम दिया गया है कि हाँ जी भाई ये मेंबर बन गए यहाँ के, आपको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ पाए आप ये बात। तो दो तरह से जो है हमारे पास यहाँ पे मेंबर्स आते हैं, इलेक्शन के थ्रू और नॉमिनेशन के थ्रू, हाँ जी, क्लियर हुआ आपको ये। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कि राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही पार्टिसिपेट करते हैं, यही लोगों का वोट होगा। राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही जगह पे जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं इन्हीं की ही वोटिंग होती है। आपको बहुत बार कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं यहाँ पे ऑल मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, अगर ऑल मेंबर्स लिख दिया ना, आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको लोकसभा राज्यसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स भी तो मिलेंगे, है ना। नॉमिनेटेड का मतलब हुआ जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किए इलेक्शन में, उनको नॉमिनेट किया गया है। कौन नॉमिनेट करेगा उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो आपको सिंपल शब्दों में याद रखना है कि इलेक्टेड जो हैं, जो इलेक्शन के थ्रू आए हैं, सिर्फ वही जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस के। इसके अलावा आप आ जाइए जो राज्य हैं, जो स्टेट्स हैं हमारी, राज्यों में कौन होते हैं, राज्यों में आपको मिलेंगे एमएलए। हाँ जी, जब हम एमएलए की बात करते हैं, एमएलए है आपके पास मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो एमएलए कहाँ होते हैं, एमएलए होते हैं राज्यों में, समझ पाया, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, वो हम राज्यों में पढ़ेंगे उसके बारे में। तो जो एमएलए हैं वो भी दो तरह के होते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। तो यहाँ पे आएगा आपके पास
इलेक्टेड जो एमएलए हैं वही वोट करेंगे, इलेक्टेड एमएलए ही वोट करेंगे, नॉमिनेटेड वोट नहीं करते हैं। हाँ जी, समझ पाया आप। और आगे चल के भारत में जो है वो सिर्फ स्टेट्स थोड़ा भी हैं, यूटीज भी हैं। बताइए कितने यूटीज हैं भारत में, केंद्र शासित प्रदेश। भारत में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? हाँ जी, हाँ जी बताइए, भारत में अभी कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ठीक है, यस, बिल्कुल सही आंसर है आपका, 8। 8 हमारे पास अभी जो है वो यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। चलिए अब सवाल ये है कि वो जो 8 यूटीज हैं, 8 यूटीज में से 3 ऐसी यूटी हैं, ऐसे हमारे पास जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पे आपको लेजिस्लेचर मिलेगा। ठीक है जी, लेजिस्लेचर का मतलब है जहां पे हमारे पास जो है वो सीएम बने हैं, मतलब है ना, विधानसभा जहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वो 3 यूटीज आपको याद रखना है, यूटीज विद लेजिस्लेचर। ठीक है जी, यूटीज विद लेजिस्लेचर। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे दिल्ली। हाँ जी दिल्ली, ठीक है जी दिल्ली। फिर आएगा पुडुचेरी, पुडुचेरी, और फिर आएगा जी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर आप अच्छे से इसको जो है वो बढ़िया हाईलाइट करके लिखना, अलग से हाईलाइट करना आपने इसको। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 3 ही भारत में ऐसी यूटीज हैं जिनके पास लेजिस्लेचर है। ठीक है जी, जिनके पास लेजिस्लेचर आपको मिलेगा, यूटीज विद लेजिस्लेचर, दिल्ली पुडुचेरी जम्मू कश्मीर। तो ये 3 आपको यहाँ पे यूटीज मिलेंगी, इन 3 के जो एमएलए हैं वो भी वोट करते हैं। ठीक है जी, इलेक्टेड एमएलए जो होंगे वो भी वोट करेंगे। हाँ जी, समझ पाए आप ये बात। तो ये लोग जो हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट करते हैं, लोकसभा राज्यसभा के सारे मेंबर्स नहीं, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स। फिर जितने भी हमारे पास स्टेट्स हैं, स्टेट में जो आपको एमएलएज मिलेंगे, एमएलएज भी कहाँ के, आपके पास विधानसभा के, विधानसभा के जो एमएलएज हैं, विधानसभा के जो एमएलएज हैं वो आपने ध्यान रखना है, इलेक्टेड जो हैं वो होने चाहिए। ठीक है जी, वो होने चाहिए आपके पास, राइट। और उसके बाद दिल्ली पुडुचेरी जम्मू कश्मीर, यहाँ के जो एमएलएज हैं वो आपने याद रखना है, दिल्ली जम्मू और क्या, दिल्ली पौंडीचेरी। ठीक है जी, पहले जो है, अच्छा दिख नहीं रहा है, जो पौंडीचेरी है, पॉन्डिचेरी पहले कहा जाता था, अभी उसको पुडुचेरी बोलते हैं। ठीक है, स्पेलिंग शायद दिख नहीं रही है आपको, यहां लिखती हूं मैं, पुडुचेरी। हाँ जी, पॉन्डिचेरी, पॉन्डिचेरी को ही अभी जो है वो पुडुचेरी कहा जाता है, तो आपने यहाँ पे पुडुचेरी याद रखना है पॉन्डिचेरी की जगह पे। तो ये लोग आएंगे जी वोट करने के लिए। हाँ जी डन। अब वोट करेंगे किस तरह से? ठीक है, मान लीजिए आप लोगों ने भी वोट दिया होगा ना, तो हम लोग कैसे वोट देते हैं, हम लोग कैसे वोट देते हैं, तो अभी दिखाते हैं जरा मैं आपको। मान लीजिए आपके पास जो है वो 4 कैंडिडेट्स इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ए बी सी और डी। हाँ जी ठीक है, आप वोट देने के लिए गए तो आप क्या करते हो, आपको लगता है कि जो ये बी कैंडिडेट है ये बेस्ट है, ये मेरे को पसंद है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, आप जो है वो यहाँ पे फटाफट से इसको प्रेस कर दोगे, इसको आप वोट दे दोगे, आ जाओगे। ठीक है, अब आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि भाई पसंद तो मेरे को बी कैंडिडेट है, लेकिन अगर ये वाला नहीं बना ना तो इसको बना देना, ऐसा तो कोई ऑप्शन हमारे पास है नहीं, हम तो इस तरह से वोट करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति के लिए इस तरह से वोटिंग नहीं की जाती है, उसके लिए बहुत ही अलग स्पेसिफिक से टर्म यूज की जाती है, उसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आप लिखिएगा, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा। हाँ जी, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, और इसे हिंदी में कहा जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। हाँ जी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है जी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। हाँ जी बिल्कुल, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का यूज करते हैं। ठीक है जी, अभी देखते हैं कि वो क्या होता है।
तो आपने याद रखना है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसको हिंदी में कहा जाता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व। इसका मतलब अनुपात, ठीक है, अनुपातिक प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट यहाँ पे 50% प्लस वोट गेन कर लेगा वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो आपके पास जो है वो कितने प्रोपोर्शन में, कितने अनुपात में आपके पास वोट्स आने चाहिए, तो आपके पास जो है वो 50% प्लस वोट, प्लस वन वोट होना चाहिए, और जिसके पास इतने वोट आ गए वो बन गया जी राष्ट्रपति। ऐसा नहीं कि 70% नंबर चाहिए आपको, 80% चाहिए, 50% प्लस वन वोट, 50% प्लस वन वोट। और साथ ही में यहाँ पे लिखा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है जी, आपने पढ़ा होगा, इसको आपने पढ़ना है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या होता है, एकल संक्रमणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक है जी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इसे कहा जाता है, ठीक है जी। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये वही है जो अभी मैं आपको समझा रही थी। मान लीजिए ए बी सी डी, ये चार कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो वोट यहाँ पे किस तरह से दिया जाएगा कि मुझको लगता है कि ये ए जो है ये मेरा फेवरेट है, तो मैं चाहती हूँ कि ये बन जाए राष्ट्रपति। अगर ये नहीं बना तो मेरी दूसरी प्रेफरेंस क्या होगी, तो फिर मेरी दूसरी प्रेफरेंस जो है वो ये है, ठीक है जी, तीसरी प्रेफरेंस मेरी ये है और चौथी प्रेफरेंस मेरी ये है। तो जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए हैं आपको सबको जो है वो रैंकिंग करनी होती है। यहाँ पे आप एक वोट देके आ जाओगे ऐसा नहीं होता है, तो 1 2 3 4 इस तरह से जो है आप रैंकिंग करते हैं यहाँ पे। हाँ जी, समझ पाया? तो आपके आपको ना एक क्वेश्चन ऐसे एक्सप्लेन करने के लिए तो नहीं आता है, बट जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ये टर्म्स लिखी होती है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से जो है वो किसका चुनाव किया जाता है। ऑप्शन में आपको आएगा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, या लोकसभा का चुनाव होता है, या MLAs का चुनाव है, या पंचायत प्रधान का चुनाव है। तो ऐसे आपके पास चार ऑप्शन आ गए, है ना, तो आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब क्या हुआ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस तरह से कहाँ कहाँ किसके इलेक्शन होते हैं यही समझ लीजिए आप। आपके पास जो प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है जी, और जो हमारे पास राज्यसभा है, और जो राज्यसभा है, राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका, तो ये तीन जगह पे आप ये सेम चीज पढ़ोगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ आता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट लिखा हुआ आएगा। तो प्रेसिडेंट में चुनाव इस तरह से होते हैं, 1 2 3 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपके पास। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव भी इस तरह से ही होते हैं, और राज्यसभा के जो चुनाव हैं वो भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो जब हम चीज़ों को एक ही जगह पे लिख लेते हैं तो फिर कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो आपने इस तरह से इसको याद रखना है। चलिए जी, इस तरह से चुनाव हो गए, बढ़िया। इन लोगों ने आके जो है वो पार्टिसिपेट किया, वोटिंग कर दी, और यहाँ पे जो है वो चुन के आ जाते हैं राष्ट्रपति। अब जब राष्ट्रपति जी चुन के आ गए तो फिर हमेशा ही शपथ ली जाएगी, आप ये चीज ध्यान रखना। जब भी कोई व्यक्ति चुनाव जीत के आता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति है, चाहे MLAs हैं, MPs हैं, कोई भी हैं, जब भी चुनाव होगा तो ऐसा नहीं कि आप फटाफट चुनाव लड़के आए और बैठ के कुर्सी पे कि भाई अब तो मैं राष्ट्रपति हूँ, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले आपको शपथ लेनी पड़ेगी, ओथ लेते हैं आप, है ना। ओथ, शपथ का मतलब क्या हुआ कि भाई मैं इस पद की जो है वो गरिमा बना के रखूंगा और मैं सही काम करूंगा वगैरह वगैरह। तो सवाल ये है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को जो शपथ है वो कौन दिलाता है, ठीक है जी। विकास जी, आपके पास, आप जो पूछ रहे हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अलग से, ठीक है जी। ये हमारी क्लासेस जो हैं वो पटवारी पुलिस स्पेसिफिक क्लासेस हैं, तो अगर इन चीज़ को मैं बहुत एक्सप्लेन करूंगी तो ये बहुत लंबी क्लास चल जाएंगी। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो हमको थोड़ा सा जो है वो देख के चलना है कि भाई कितना कितना हमने पढ़ना है, ठीक है। तो क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं पूछी जाएगी, चलिए बिल्कुल
तो ओथ जो है वो कौन है? गुड, ओथ दिलाएगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ जी, ओथ कौन दिलाएंगे? सीजीआई जो है वो इनको ओथ दिलाते हैं। ठीक है जी, सीजीआई ओथ दिलाएंगे, आपने ध्यान रखना है। सीजीआई का मतलब क्या हुआ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ जी, भारत में आपको जो सर्वोच्च न्यायालय है, भारत में आपको जो सर्वोच्च न्यायालय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट जो है, कितने सुप्रीम कोर्ट है भारत में? हाँ जी, ऑप्शन देती हूँ आपको, 3, 5, 28, 25, कितने सुप्रीम कोर्ट है? काव्या जी का आंसर आ चुका है, ठीक है, ओके। हाँ जी, साहिल जी का आंसर आ गया है, सभी का, मनीषा जी, ठीक है जी। सबका आंसर गलत है आपका, सभी का आंसर गलत है। सुप्रीम कोर्ट, अरे भाई, इस ऑप्शन में ऐसा क्या दिखा, सबने यही आंसर किया। अरे नहीं, सभी का आंसर गलत हो गया, 28 होगा फिर। नहीं, देखिए क्या है, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक है, ठीक है जी, कितने सुप्रीम कोर्ट हैं? हाँ जी, एक ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास। सुप्रीम कोर्ट से नीचे हाई कोर्ट्स पढ़ेंगे आप, है ना, ये जुडिशरी पढ़ेंगे अलग से, आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको पढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से नीचे आएंगे आपके पास हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट से नीचे हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। हाँ, सभी तुक्का लगा रहे हैं, मैं देख रही हूँ आपको, मैं समझ जाऊंगी धीरे धीरे कि आप कौन सी बात तुक्के में बोल रहे हैं, है ना, कि कौन से क्वेश्चन में आप तुक्का मारेंगे। तो ये देखिए, तो भारत में तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। हाँ जी, एक ही सुप्रीम कोर्ट है हमारे पास, है ना, ये अलग से पढ़ा जाएगा, आपने टेंशन लेनी इसकी। तो एक सुप्रीम कोर्ट है, और अभी सुप्रीम कोर्ट की जो आपको स्ट्रेंथ मिलेगी वो है जी 1+33। ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ है हमारे पास वो है 1+33। 1 का मतलब हुआ एक है आपके पास अभी, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, है ना, मुख्य न्यायाधीश का मतलब हुआ जो आपके पास चीफ जस्टिस हैं, और 33 का मतलब हुआ अदर जजेस, एक मॉनिटर होता है ना, बाकी सारे और जज होंगे, है ना, तो 33 वहां पे जज हैं, और एक है जी मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होगा। तो वो जो ये एक है, इन्हें कोई हम सीजीआई बोलते हैं, ठीक है, सीजीआई बहुत रैंडमली फटाफट बोलते हैं, हाँ सीजीआई, बट सीजीआई आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सीजीआई। तो सीजीआई कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है जी, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाएंगे। अब आपने क्या करना, थोड़ा सा इसको, ये प्रेसिडेंट, हाँ जी, प्रेसिडेंट का छोटा भाई कौन पढ़ा था आपने? प्रेसिडेंट के छोटे भाई हमने पढ़ दिए वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी, आप इसको इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे कंपैरिजन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट जैसे राम भगवान है, ठीक है जी, और साथ में है लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी के साथ में कौन होते हैं? गुरु जी होते हैं ना, ठीक है जी, जो उनके कुल कुल पुरोहित होंगे, है ना, तो गुरु जी हम मान के चलते हैं, समझ रहे हैं आप ये बात? तो राम भगवान को राजगद्दी पे कौन बिठाएगा? राम भगवान को राजगद्दी पे कौन बिठाएंगे? जो गुरु जी हैं, ये आते हैं कुल गुरु, और राम भगवान जी का फिर वो राज्याभिषेक करेंगे कि आ जाओ आपको हम जो है वो गद्दी पे बिठा रहे हैं, ताज वगैरह पहना दिया। तो वैसे हमने राम की जगह पे कौन रखे हैं? प्रेसिडेंट रखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गुरु जी कौन आ जाएंगे आपके पास? सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट, वो भी न्याय ही दे रहे हैं। तो थोड़ा सा ऐसे को आप इसको रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी आगे चल के थोड़ी चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, तो अगर आप इस तरह से याद रखोगे तो ये चीजें आसानी से हमको समझ आ जाएंगी, है ना। तो जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो सर्वोच्च आपको ये मिलेंगे जस्टिस मिलेंगे, ठीक है जी, वो जो है वो इनको दिलाएंगे शपथ कि आप काम करो, और शपथ लेके जो है वो राष्ट्रपति जी बैठ चुके हैं अपनी कुर्सी पर, अपनी गद्दी पर। सुप्रीम कोर्ट हुई अयोध्या। हाँ बिल्कुल, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आपने उस तरह से जो है याद रखना, गुरु जी ने इनको दिला दी ओथ कि भाई बढ़िया काम करो आराम से। अब तो प्रेसिडेंट जी भी अच्छे से काम करने लगे, तो प्रेसिडेंट जी जब काम करेंगे तो पैसा भी मिलेगा। तो राष्ट्रपति को कितनी सैलरी मिलती है? 5 लाख रुपए, ठीक है जी, 5 लाख, 5 लाख पर मंथ, पर मंथ का है ये, 5 लाख पर मंथ जो है वो राष्ट्रपति जी की अभी सैलरी है, जो भी राष्ट्रपति बनेगा उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो है फिर वो पेंशन लगती है, तो इन्हें भी पेंशन मिलेगी, और पेंशन कितनी होती है? 50% ऑफ सैलरी, जो भी सैलरी है, सैलरी का जो 50% है वो पेंशन के रूप में दिया जाता है। तो आप
खुद आइडिया लगा लीजिए कि कितनी यहाँ पे जो है वो पेंशन मिलती होगी। ठीक है, तो सैलरी फिलहाल आपने याद रखनी है 5 लाख जो है वो सैलरी है। राष्ट्रपति जी चुन के आ चुके हैं, कितने सालों के लिए राष्ट्रपति का चुनाव होता है? हाँ जी बताइए, 4 साल, 5 साल, 6 साल या फिर इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम? राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो कितने सालों के लिए होता है? यस, 5 ईयर्स, बिल्कुल सही। अरे 90% सही आंसर रहा ये, 5 साल। ठीक है जी, 5 साल। हाँ जी, राष्ट्रपति जी का जो चुनाव है वो 5 सालों के लिए होता है। 5 साल आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो 5 साल के लिए राष्ट्रपति चुने जाते हैं। हाँ जी, ओके। कितनी बार आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं? मैंने एक बार लड़ा, मेरा मन किया 5 सालों के बाद कि दोबारा चुनाव लड़ूंगी। दोबारा लड़ लीजिए आप, तीसरी बार मन किया तो फिर मन किया तो लड़ लो भाई, जितनी मर्जी बार प्रेसिडेंट के आप चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ जी, एनी नंबर ऑफ टाइम, आपका जब तक मन करे, जब तक आपकी बॉडी काम कर रही है, आप चल फिर सकते हैं, तब तक आप राष्ट्रपति बन सकते हैं जितनी मर्जी बार। ठीक है जी, तो आपने इस तरह से जो है वो इन चीजों को याद रखना है। नफीसा जी, 6 ईयर्स हम पढ़ेंगे, 6 ईयर्स आपको याद आ रहा है राज्यसभा का, और लोगों का भी होता है बहुत जगह पे 6 ईयर, बट जो बहुत ही फेमस सा है वो राज्यसभा है। राज्यसभा का टेन्योर आपको 6 ईयर्स का मिलेगा एमपीज का। ठीक है, हाँ, तो बस ये होता है, अगर आप चीज़ों को रिवाइज करते रहोगे बार 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 तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, वरना बाद में ये सब इकट्ठा हो जाएगा फिर। चलिए, अब मैं राष्ट्रपति बन चुकी हूँ, मतलब इमेजिन कर लेते हैं, तो फिर मैं अपनी सीट से रिजाइन भी कर सकती हूँ। तो प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो किस तरह से वैकेंट हो सकती है ये अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, मेरा टेन्योर जो है वो 5 साल का है। ठीक है जी, 5 साल के लिए जो है वो राष्ट्रपति चुना गया है। तो अगर राष्ट्रपति चाहे तो वो पहले भी अपनी पोस्ट से रिजाइन कर सकता है। तो किस तरह से, आप मान लीजिए 3 साल हुए, ठीक है, मैं बोलूँगी मन नहीं कर रहा, ठीक है, अब राष्ट्रपति नहीं बनना मुझे, मेरा मन उठ चुका है इस दुनिया से, ये सारी जो है वो माया है, ऐसे ऐसे कुछ 2-4 मैं डायलॉग मारूंगी, ठीक है, बोलूँ कि अब नहीं मैं चलती, है ना। तो फिर जो प्रेसिडेंट है वो किसके पास रिजाइन करेगा? हाँ जी, राम भगवान को अगर जाना होगा अयोध्या छोड़ के, तो किसके हाथ में सौंप के जाएंगे कि भाई संभाल लियो जरा, मैं आता हूँ अभी? या फिर जब भी बड़ा भाई कभी घर से बाहर जाता है तो घर की जिम्मेदारी किसको सौंप के जाएगा? छोटे भाई को सौंपेगा ना कि मैं आता हूँ भाई, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा ही होगा। यस, वाइस प्रेसिडेंट। तो आप इस तरह से ही याद रख सकते हैं कि जब प्रेसिडेंट गए, जब राष्ट्रपति जी गए, तो वो किसके पास रिजाइन करके जाएंगे, किसको सौंप के जाएंगे सत्ता? वाइस प्रेसिडेंट को, कि संभाल लेना। ठीक है, तो आपने, आप इस तरह से मत कंफ्यूज होना कि भाई ओथ तो जो है वो सीजीआई ने दिलाई थी, शपथ सीजीआई ने दिलाई थी ना, तो फिर रिजाइन भी उन्हीं के पास करके जाएंगे, रेजिग्नेशन लेटर भी उन्हीं को ही देंगे कि लो मैं तो चला, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। तो रिजाइन किसके पास करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट के पास जो है ये रिजाइन कर सकते हैं। हाँ जी, ठीक है, या फिर प्रेसिडेंट की डेथ भी हो सकती है, तो भी प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है वो खाली हो जाएगी, वेकेंट हो जाएगी, बाई चांस प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, है ना। या फिर प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है। ठीक है जी, प्रेसिडेंट को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को हटा भी सकते हैं, जिसे कहा जाता है महाभियोग। हाँ जी, महाभियोग, महाभियोग का मतलब हुआ इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट। हाँ जी, इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61, यही ध्यान रख लेना आपने, आर्टिकल्स हमने ज्यादा पढ़े नहीं है अभी तक, एक वाला एक आर्टिकल आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं। प्रेसिडेंट को रिमूव भी किया जा सकता है, ठीक है जी, उसे कहा जाता है इम्पीचमेंट या फिर महाभियोग। ठीक है जी, इम्पीचमेंट या महाभियोग का मतलब क्या हुआ कि प्रेसिडेंट जी आप जो अब, और एक और चीज, प्रेसिडेंट के आप ऊपर आप ये चार्जशीट लगाएंगे कि राष्ट्रपति तो जो है वो बहुत करप्ट हैं, इन्होंने जो है वो घूस ली है, या इन्होंने जो है वो मर्डर किया है, इस तरह के कोई चार्जेस आप प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये सारे चार्जेस एक किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं लग रहे हैं,
हमारे देश में जो प्रथम व्यक्ति है, जो सुप्रीम है, वो राष्ट्रपति है, तो हमारे देश की गरिमा इनसे जुड़ी हुई है। ठीक है जी, तो आप अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करते हो तो किस बेसिस पे रिमूव करेंगे कि भाई इन्होंने संविधान की रिस्पेक्ट नहीं की। ठीक है जी, संविधान के जो है ये अगेंस्ट रहे हैं, तो हम इनको जो है वो रिमूव कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। यहाँ पे तो प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है, और जब भी प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट महाभियोग जब चलाया जाएगा, तो फिर प्रेसिडेंट को कितने दिनों का नोटिस इशू किया जाता है? हाँ जी, प्रेसिडेंट को कितने दिनों का नोटिस इशू किया जाता है? वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी नहीं होती है। हाँ जी, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी पढ़ेंगे हम। ठीक है जी, इनको सैलरी मिलती है, कितनी मिलती है और किस तरह से मिलती है, वो अब वाइस प्रेसिडेंट में कवर करेंगे। हाँ जी, तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट के अगेंस्ट जो है वो इम्पीचमेंट चला, रातों रात पहुंच गए राष्ट्रपति घर पे कि चलो जी राष्ट्रपति जी टाइम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। पहले उनको नोटिस इशू करना पड़ता है कि आपके अगेंस्ट हम लोग जो है वो ऐसा ऐसा जो है वो काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति को कितने दिनों का नोटिस इशू किया जाता है? 14 days का। हाँ जी, 14 days, 14 दिनों का नोटिस इशू किया जाता है। और आगे चल के आप चाहे प्रेसिडेंट पढ़िए, आप चाहे वाइस प्रेसिडेंट पढ़िए, आप स्पीकर पढ़ो, आप कोई भी पढ़ो, जब भी बात आएगी कि नोटिस इशू करना है, तो 90% केसेस में जो नोटिस है वो 14 दिनों का ही इशू किया जाता है। ठीक है जी, कि कितने दिनों का नोटिस उनको पहले दिया जाएगा, 14 दिनों का नोटिस दिया जाएगा। ऑप्शन आपके पास आएंगे 10 days का, 14 days का, 30 days या फिर 6 months का। तो आपको ध्यान रखना है कि 14 दिनों का जो नोटिस है वो इशू किया जाता है प्रेसिडेंट को, राइट? तो 14 days का नोटिस हो गया, ऐसा से काम चल पड़ा। अब प्रेसिडेंट जी को तो हमने रिमूव कर दिया, ठीक है जी, चाहे उन्होंने रिजाइन किया हो, चाहे उनकी यहाँ पे डेथ हुई हो, ठीक है जी, चाहे उनको रिमूव किया गया है, सिंपल सी बात ये हुई हमारे पास कि राष्ट्रपति की जो कुर्सी है वो तो खाली हो गई। अब जब राष्ट्रपति जी की कुर्सी खाली हो गई, तो फिर रातों रात तो हम कोई नया राष्ट्रपति बना के नहीं लाएंगे, तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति जी नहीं रहे तो फिर क्या होगा? हाँ जी, जब बड़ा भाई नहीं है तो फिर क्या होगा? छोटा भाई संभालेगा ना काम, तो फटाफट से फिर वाइस प्रेसिडेंट आ जाते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, अब से मैं ही हूं करता धरता, मैं काम संभालूंगा। ठीक है जी, तो आपसे पूछते हैं कि जब प्रेसिडेंट की पोस्ट वेकेंट होती है, तो उस टाइम पीरियड पे प्रेसिडेंट का काम धाम जो है वो कौन संभालता है? तो प्रेसिडेंट का काम धाम कौन संभालेगा? वो संभालेंगे जी वाइस प्रेसिडेंट, छोटा भाई काम संभालता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट कितने समय तक जो है वो प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ सकते हैं? ऐसा थोड़ा भी है कि फिर अब तो मन मर्जी है, जब मर्जी बैठे रहो यहाँ पे। हाँ जी, 6 महीने तक। यस, 6 months, ये आपको ध्यान रखना है। वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कितने टाइम तक प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठ सकते हैं? तो वो कितने टाइम तक प्रेसिडेंट की कुर्सी पे बैठते हैं? वो 6 महीने तक जो है वो प्रेसिडेंट की पोस्ट को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि विद इन सिक्स मंथ्स जो है वो नए इलेक्शन होते हैं। मनीष जी, प्रेसिडेंट को पेंशन कितनी मिलती है? तो देखिए, सैलरी तो 5 लाख है, इसका 50% कर लीजिए, हाफ कर लो, 50% कर लो इसका, उतनी सैलरी मिलेगी प्रेसिडेंट को। ठीक है जी, 50%। हाँ जी, इतनी पेंशन मिल जाएगी, है ना? जो भी सैलरी होती है उसका 50% मिलेगा। अब करो जरा आप, ये 50% कितना हुआ, फटाफट कैलकुलेशन होनी चाहिए। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स उसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बिना मैथ्स के तो काम चलेगा भी नहीं। तो चलिए, तो 6 महीने तक जो है वो यहाँ पे ये बैठ सकते हैं इस कुर्सी पे। दोबारा प्रेसिडेंट बनाने का सेम मेथड होता है। हाँ जी बिल्कुल, दोबारा प्रेसिडेंट बनाने का सेम मेथड होता है, बिल्कुल सही आंसर है आप सभी का, है ना? 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव किए जाते हैं, 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव किए जाएंगे, सेम प्रोसीजर के द्वारा ही चुनाव होते हैं, 5 सालों के लिए ही चुनाव होंगे। ठीक है जी, 5 साल के लिए ही चुनाव होंगे। हाँ जी, क्लियर हुआ आपको? तो ऐसा सा काम यहाँ पे चला रहेगा। और मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट छुट्टी पे गए हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ही नहीं यहाँ पे, वो बीमार हैं, वो चले गए कहीं हॉस्पिटल बहुत दूर फॉरेन में। अब इस टाइम पीरियड पे प्रेसिडेंट है नहीं, वाइस प्रेसिडेंट जी चले गए,
तो फिर काम कौन संभालेगा? फिर आएंगे जी गुरु जी कि अब तो मैं ही देखता हूँ भाई, ठीक है मैं संभालूंगा काम, बाकी क्या करें, अब और तो कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास। तो अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उस टाइम पीरियड पे CJI, हाँ जी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये जो हैं भारत के राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। यस बिल्कुल ठीक है, आपने ध्यान रखना है, बाय चांस वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो उस टाइम पीरियड पे कौन उस पोजीशन को हेल्ड करेगा? तो आएंगे CJI, ठीक है जी CJI, तो CJI आपने ध्यान रखना है। अगर CJI भी नहीं हुआ, चीफ जस्टिस भी नहीं है, चीफ जस्टिस घर पे शादी है बेटी की उनके, वो भी नहीं आ सकते हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में जो है वो 33 की स्ट्रेंथ बैठी है यहाँ पे, हाँ जी सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सीनियर मोस्ट जज, यस 33 जज हैं, तो सबसे सीनियर जो जज होगा वो आ जाएगा, ठीक है जी, वो भी साइड हो गए तो फिर अगला आ जाएगा। अब 33 लोगों के घर पे कुछ भी ऐसा इमरजेंसी नहीं होगी पड़ी हुई, तो आपने जो है वो इसको ध्यान रख लेना यहाँ पे, ठीक है। तो बस इस तरह से काम चलता है, और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो उतने टाइम तक इन पोजिशन को हेल्ड करके रखेंगे। हाँ जी, तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे याद रखने हैं। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है। चलिए, तो ये चीज हमारी इंपॉर्टेंट हो गई, इससे अब हम आगे बढ़ेंगे और अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो काम है, सॉरी प्रेसिडेंट के जो काम है वो क्या क्या काम वो करते हैं। सबसे पहला काम, जितने भी इस देश के जो ऑफिशियल काम होते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही किए जाते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट जी जो हैं, ठीक है जी, देखा जाए तो नाम मात्र की उनके पास शक्तियां हैं, बस सिग्नेचर होते हैं उनके एंड में, कोई भी रूल जब पास होता है वो साइन करने के लिए बैठते हैं प्रेसिडेंट, बाकी एक्चुअल में उनके पास पावर्स कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से आप नॉमिनल हेड, नाम मात्र का हेड भी बोलते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, अपॉइंटमेंट, हाँ जी अपॉइंटमेंट का काम होता है इनका, जो प्राइम मिनिस्टर है, हाँ जी प्राइम मिनिस्टर को किसने अपॉइंट किया, राष्ट्रपति ने, है ना। और एक चीज आप और ध्यान रखना, सेंटर में आपके पास प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेंगे, और स्टेट जो है, जो राज्य है, राज्यों में अपॉइंटमेंट कौन करेगा, गवर्नर करेगा, प्रेसिडेंट गवर्नर, प्रेसिडेंट गवर्नर, सेम चीज पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो सेंटर में ऑलमोस्ट जो आपके पास नेशनल लेवल पे जितने भी आपके पास आपको ये बॉडीज देखने के लिए मिलेंगी, उनको शपथ कौन दिलाते हैं, एक तरह से प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। तो मैं दो चार यहाँ पे फिलहाल लिख रही हूँ आपके पास, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गया, अदर मिनिस्टर्स, अदर मिनिस्टर, ये हम पढ़ेंगे किस तरह से शपथ दिलाई जाती है, तो इनको शपथ कौन दिलाएंगे, जो राष्ट्रपति हैं वो शपथ दिलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जज, हाँ जी जजेस को शपथ कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट जजेस को भी शपथ दिलाएंगे। जो कैग है, CAG, कैग, कैग का मतलब होगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग को भी शपथ यही दिलाएंगे। आगे लिखेंगे आप अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ये दो चार नाम मैंने लिखते हैं यहाँ पे। इसके अलावा जैसे आपके पास सेंटर में जो कमीशन हैं, सेंट्रल कमीशन कैसे, जैसे कि मान लीजिए UPSC हो गया, ठीक है, फाइनेंस कमीशन हो गया, इलेक्शन कमीशन है, तो इन सभी कमीशंस के, इन सभी कमीशंस के जो हेड हैं, जो चीफ होंगे, जो मेंबर्स होंगे, उनको भी शपथ कौन दिलाएंगे, प्रेसिडेंट दिलाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें इसका आंसर, और वो आपको नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे आपको वो कोई कमीशन देखने के लिए मिल रहा है, आप उसका आंसर राष्ट्रपति कर सकते हैं। सीधा सीधा राष्ट्रपति जो है वो शपथ दिलाते हैं, वो अपॉइंट करते हैं, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति। फिर आएंगे आपके पास जजेस को कौन अपॉइंट करेंगे, राष्ट्रपति। कैग को, राष्ट्रपति। अटॉर्नी जनरल को, राष्ट्रपति, ठीक है। तो ऐसे शपथ दिलाने वाला काम आपको जो है वो राष्ट्रपति का देखने के लिए यहाँ पे मिल जाए। तो आपने इतने पॉइंट्स जो है वो आज के लिए याद रखने हैं। आप फटाफट से आप ये बताएंगे कि आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट ना हो, सिक्योरिटी जब्त ना हो, तो आपको मिनिमम कितने वोट सिक्योर करने पड़ते हैं। हाँ जी, फटाफट से दो क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, कितने आपको जो है वो वोट सिक्योर करने पड़ते हैं। नफीसा जी बिल्कुल पढ़ेंगे, आर्टिकल्स भी पढ़ेंगे, कुछ एक आर्टिकल पढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा आर्टिकल्स यहाँ पे नहीं आते हैं, ठीक है, जितने इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका आंसर सही है 1/6,
16, ठीक है जी, जिन्होंने 10 आंसर दिया है, 10 नहीं होगा, 10 तो उस केस में आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, तो 10 नहीं है, 16 आपके पास जो है वैलिड वोट्स होने चाहिए। अगला सवाल आपके पास है कि अगर वाइज आप प्रेसिडेंट को जो है वो रिमूव करना चाहते हैं तो कितने दिनों का नोटिस पहले इशू करना पड़ेगा। हाँ जी, कितने दिनों का नोटिस इशू किया जाता है प्रेसिडेंट को रिमूव करने से पहले? 10 days, 14 days, 6 months? यस, 14 days, 14 days। हाँ जी बिल्कुल सही है, तो आप यहाँ तक रिवाइज करके आएंगे। यहाँ से आगे हमारा प्रेसिडेंट अभी रहा है, प्रेसिडेंट के जो भी पावर्स हैं वो सब हम पढ़ेंगे। हाँ जी, राष्ट्रपति से आते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या है ना, जैसे हम लोग अभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, है ना, तो अगर आप बाद में कभी रिवाइज करना चाहें तो आप दो चार टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं जहां से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से मुझको लगता है कि 70-80% टाइम जो क्वेश्चन आया है वो पार्लियामेंट से आया है, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा बिल्स वहां से क्वेश्चन आए हैं आपके पास। तो पार्लियामेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपके लिए, ठीक है जी, यहाँ पे आप जो है वो करेंगे क्वेश्चन। इसके अलावा आपके पास जो जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी या DPSPs पढ़ा या प्रियम्बल पढ़ा, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो वैसे वैसे आ जाते हैं। अलाइड का बता दो विकास जी, आप अलाइड का क्या, आप अलाइड का सिलेबस पूछ रहे हैं या आप अलाइड का बैच पूछ रहे हैं, क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं अलाइड का, आप क्या पता करना चाह रहे हैं, आप ये बताइए। बैच, अच्छा जी, तो अलाइड का जो बैच है हमारा वो हम बैच अभी शुरू करेंगे, 15 तारीख से वो बैच शुरू हो रहा है, ठीक है जी। अलाइड का बैच पेड बैच होगा और वो क्लासेस जो है वो हमारी एप्लीकेशन पे होती हैं, ठीक है जी। भूपेंद्र जी, मैथ्स की क्लासेस भी जरूर होंगी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर क्लासेस जरूर होंगी। आपका अलाइड का जो है 12,000 फीस है उसकी, ठीक है जी, 12,000 फीस है, 2 साल की उस पर वैलिडिटी है, ठीक है। और कुछ आप जानना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, इस तरह से क्लासेस रहेंगी हमारी, तो ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। पुलिस का बैच हमारा ऑफलाइन शुरू हुआ है, ठीक है जी, ऑफलाइन है पुलिस का बैच हमारे पास, ठीक है जी, पुलिस का बैच ऑफलाइन है, ऑनलाइन अभी पुलिस का बैच नहीं है, इसीलिए हम लोग लाइव क्लासेस कर रहे हैं क्योंकि बैच मैंने बनाया नहीं पुलिस के लिए। हाँ जी, डन, तो इतना पढ़ेंगे, बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे। ऑफलाइन लोकेशन सोलन है जी, ठीक है जी, सोलन है, और सोलन में जहाँ कोटला नाला है ठोडो ग्राउंड के पास, तो ठोडो ग्राउंड के पास आप कॉल कर सकते हैं पहुँच के। चलिए ठीक है, हाँ जी, तो इतना आपने जो है वो याद रखना है बस, बाकी हम यहाँ से कल पढ़ेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। हम्म।